अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू बिया फूड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ उसका नाम है बीफ विद ग्रीन चिली। ये चाइनीज रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमने बीफ लिया है हाफ के जी, और इसके मैंने फिले कर लिए थे। इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून। ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूं। सही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद 30 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया। अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर ऑयल डाला है 6 टेबलस्पून। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है तो इसके अंदर मैं अब शामिल कर रही हूँ लहसुन यानी कि गार्लिक चॉप्ड 1 टेबलस्पून। लहसुन को उस टाइम तक पकाना है जब तक कि ये सुनहरी ना हो जाए। अब लहसुन जो है सुनहरी हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने जो मैरिनेटेड बीफ था वो डाल दिया है, और इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। अब बीफ जो है वो अपना पानी छोड़ रहा है थोड़ा सा। इसको मैंने कवर करके रख दिया 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट बाद अब बीफ जो है इसको मैं दोबारा फ्राई कर रही हूँ। और इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैंने कैप्सिकम डाला है 3 स्लाइस्ड, टोमेटोस 3 स्लाइस्ड, और ग्रीन चिलीज 9 से 10 मैंने लिए थे और इसमें डाल दिए। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया है, कवर करके रख दिया है। उसके बाद अब 4 से 5 मिनट जब मैंने इसको ढक के रखा था, उसका कवर हटाया मैंने, और थोड़ा सा जो पानी अब बीच में फील हो रहा है इसको मैंने ड्राई करना है। इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून, सोया सॉस 6 टेबलस्पून, और ब्राउन शुगर हाफ टी स्पून। और अब मैंने इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड कर दिया 1 कप। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 मिनट्स तक मैंने कवर करके रख दिया है ताकि अच्छे से पक जाए। और 6 से 7 मिनट के बाद अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता।
इसको अच्छे से भून लेना है। बस हमारी रेसिपी तैयार होने के करीब है। और लीजिए, ये तैयार हो चुकी है। अब इसको सर्व करना है। मैं आपके सामने इसको सर्व कर रही हूँ। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और चाइनीज़ राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।